हिमाचल के कबूतर चौक में एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो गौर से देखिए, कैमरे के सामने आ रही इस महिलाओं के झुंड को, इस तरह की बड़ी वारदात को अंजाम देने वाली ये शातिर महिलाएं, करीब 4 लाख का नुकसान जो समरसिबल मोटर्स की दुकानों पर ये महिलाएं पहुंचती है, शटर तोड़ती हैं, और जो ये थैले, बड़े बड़े थैले दिखाई दे रहे हैं, अभी अंदाजा है 4 लाख के आसपास नुकसान ही हुआ है। आज सुबह 4 बजे के करीब एक बड़ी वारदात को अंजाम दे रही हैं महिलाएं, ऐसा उन पर शक है। करीब 10-12 महिलाएं हैं, सुबह आती हैं और एक शटर को जो है तोड़ करके चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दे जाती हैं। आपको बता दें कहां पर, कैसल के कबूतर चौक में जेएस समरसिबल पंप के नाम से दुकान है, जहां समरसिबल मोटर का इनका काम है, और यहां पर सुबह कुछ औरतें दिखाई दे रही हैं सीसीटीवी में, और वो यहां पर जो कुछ सामान भी इकट्ठा करती हुई नजर आ रही हैं, और इस दुकान से एक बड़ी चोरी हुई है, करीब 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। और चोरी की वारदात की बात करें तो जिस तरह से जैसे ही शटर तोड़कर अंदर घुसती हैं, और वो यहाँ पर आग भी जलाई हुई है, और काफी नुकसान की बात करें तो यहाँ जो आग जला करके, हो सकता है कि शायद यहाँ पर कोई अंधेरा रहा हो इसलिए आग जलाई गई हो, या फिर मंशा क्या है ये पता नहीं, लेकिन यहाँ पर जो कुछ तारें थी, जो महंगा सामान था, स्क्रैप था, वो काफी जो है चोरी करके ले गई है। मौके पर पुलिस भी पहुंची है, लगातार जो है जांच पड़ताल की जा रही है। और सीसीटीवी की बात करें तो सीसीटीवी में करीब 10 से 12 महिलाएं हैं जो सीसीटीवी में आई हुई है, उनके जो साथ में कुछ सामान भी है, जो कुछ सामान इकट्ठा करके लेकर जाती हुई नजर आ रही है। तो हम मौके पर पहुंचे हैं, जान लेते हैं दुकानदार से कि कितना नुकसान हुआ है, क्या कुछ पूरा मामला, और पुलिस से जानकारी ले लेते हैं कि क्या कुछ, किस तरह की कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सीसीटीवी में कैद एक महिला किस तरह से कुछ सामान इकट्ठा करके लेकर आती है, वहां रख देती है, फिर वापस आती है। ये घटना करीब 4 बजे शुरू होती है, जिसमें 10-12 महिलाएं शामिल हैं, और 10-12 महिलाएं किस तरह से एक बड़ी वारदात को अंजाम दे जाती हैं, शहर के बीच की घटना है, वो हम सीसीटीवी कैमरा आपको दिखा रहे हैं। और थोड़ी ही देर में बड़ा एक महिलाओं का झुंड, जो कुछ सामान भी अपने साथ एक थैले में बांधे हुए दिखाई दे रहे हैं, सफेद रंग के थैले से सभी के हाथ में दिखाई दे रहे हैं। और आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां सीसीटीवी में कैद हो गई है वो पूरी घटना, जहां करीब 4 लाख का नुकसान बताया जा रहा है, समरसिबल मोटर वाली दुकान से चोरी हुई है। और ये आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, एक महिला जो है आई है, और इसके बाद महिलाओं का एक बड़ा झुंड जो है वो आएगा, और फिर जो है यहां से सभी जो है इकट्ठा होकर आगे जाती हुई दिखाई दे रही हैं, और पुलिस मौके पर मौजूद है। ये हम आपको सीसीटीवी कैमरास की जो है फुटेज दिखा रहे हैं, जो ये महिलाएं हैं सुबह यहाँ इकट्ठा हुई थी और इस कैमरे में कैद हो गई हैं, वो आप देख पा रहे होंगे। एक महिला उधर गई है अभी, और आगे आपको दिखाएंगे कि किस तरह से एक बड़ा महिलाओं का झुंड जो है इस बड़ी वारदात को अंजाम दे रहा है। कैथल में इस तरह की घटना जो सामने आई है, कहीं ना कहीं बड़ा मामला है। तो मार्केट में कहीं ना कहीं औरों के मन में भी दहशत है कि इस तरह जो महिलाएं इस बड़ी वारदात को अंजाम दे रही हैं, कहीं ना कहीं औरों के साथ भी ये घटना ना हो जाए, इसलिए पुलिस भी मौके पर मौजूद है। और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं सीसीटीवी कैमराज की रिकॉर्डिंग, जिसमें वो महिलाएं जो है इसमें कैद हो गई हैं, वो तमाम इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए। दीपेश है, मेरे फादर साहब की यहाँ पे मार्केट में, अग्रसेन मार्केट में दुकान है, रानी समरसिबल मोटर रिपेयर की दुकान है। हमारी दुकान में चोरी हुई है, जो पुरानी मोटरों की रिपेयर करते हैं उसकी तार वगैरह उठा के ले गए हैं। हमें सुबह पता लगा है 8 बजे के आसपास। अच्छा। हमारे नजदीक एक टॉयलेट है, टॉयलेट बाथरूम बने हुए हैं सरकारी, वहां स्वीपर आया, उसने हमारे पास कॉन्टेक्ट किया, तो हम यहाँ पे आए, आके देखा तो शटर साइड से पाड़ा हुआ था, और लगभग हमने 112 पे कॉल की, उसके बाद पुलिस आ गई, तो अभी पुलिस वाले जांच कर रहे हैं। तो क्या कुछ मांग है आप लोगों से? मांग यही है, देखो जो चोरी हुई है उसका भुगतान हो जाए। तो किसी पे शक हो? कोई नहीं, किसी पे कोई शक नहीं है। नुकसान की बात करें तो क्या कुछ नुकसान अभी तक हुआ है इसमें? नुकसान अभी अंदाजा है 4 लाख के आसपास नुकसान ही हुआ है। क्या कुछ कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई यही है कि चोर को ढूंढा जाए और भुगतान हो सके, और किसी आगे को थर्ड पर्सन को भी ना नुकसान पहुंचे। अगर देखी हो तो आपने, कोई नजर आ रहा है? अभी कोई सीसीटीवी देखी नहीं, मार्केट में सीसीटीवी लगी हुई है, वो देखते हैं, अभी देखेंगे। मेरा नाम जिले सिंह है, मेरी दुकान में चोरी हुई है,
और सुबह जब चौकीदार ने मेरे को बताया, ये चौकीदार ने ये क्या कर रहे हैं टॉयलेट वाला, उसने हमारे को फ़ोन किया, तब हम आए और आगे देखा तो चोरी हो रही थी और कम से कम 2 क्विंटल पुरानी स्क्रैप और 2 क्विंटल नहीं था, उठा के ले गए। ये जो आपकी दुकान है कौन सी जगह दुकान है, किस चीज़ का काम मतलब आप लोगों? मेरे यहाँ रिपेयर का काम है और कुछ नमा भी काम है और अग्रसेन मार्केट है ये, दुकान नंबर 11 है, कबूतर चौक। अच्छा, तो अगर CCTV लगे हो तो कुछ पता चल पाए हो कौन लोग हैं किस तरह से? पता नहीं, अभी तो जांच कर रहे हैं। पुलिस को शिकायत दी गई है? हाँ दी है। तो मौके पर पहुंची है पुलिस? आ चुकी है। हाँ, कबूतर चौक पर पहुंचे, चोरी का मामला सामने आया, क्या कुछ कहना चाहिए? हाँ, हमारे को सूचना मिली थी थाना में कबूतर चौक के आसपास कोई दुकान में चोरी हो गई है, जो इसी सूचना पर हम कर्मचारियों के साथ यहाँ मौका पर पहुंचे हैं, मौका मुआयना किया है, सीन ऑफ क्राइम टीम यानी हमारी जो फिंगरप्रिंट्स है उसको भी मौका पर बुलाया गया है, कैमरे चेक किए गए हैं, अभी कंप्लेंटकर्ता ने कंप्लेंट नहीं दी है, कंप्लेंट के अनुसार पर्चा दर्ज किया जाएगा। क्या कोई CCTV भी सामने आई है सर? हाँ, CCTV कैमरे चेक कर रहे हैं अभी। तो किस चौकी थाना के अंतर्गत मामला आता है? सिटी थाना शहर कैफे के अंदर आता है।